तो इंसान के पल्ले क्या हुआ, गुस्से में कुछ भी हो सकता है। बाहर आ जाओ। और ये नवीन भाई हैं जो अपनी बात बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवीन संधु अमृतधारी गक्षिणा गांव से के रहने वाले हैं और अचानक दो दिन पहले ये 9 महीने से किसान आंदोलन में लगे हुए हैं और आप लोगों को देख नवीन भाई ऐसा क्या हुआ कि आपको हाथ उठाना पड़ा और एक मनोज पासवान है जी जहाँ पे गुरु महाराज के घोड़े बंधे हुए हैं और महाराज का प्रकाश भी होता थे वो बीड़ी पी रहा था। मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इधर बीड़ी ना पी, तू आगे जाके पी ले। उसने मेरे इतिहास लगाया, तू कौन है मेरा घोड़ो खड़े वाला, मगर मैं बताता हूँ जब गिरवान पे हाथ उठा देगा तो बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो आरोप लगा रहा है कि आपने मुर्गा मांगा उससे। अगर वो आरोप लगा रहे कि मुर्गा का आरोप साबित होता तो मैं अपनी गर्दन ला दूंगा, मैं जिंदगी में शिकल नहीं दिखाने का। आप नवीन जी आप निहंग कब बने थे? निहंग ये भी कह रहे थे। मैं निहंग 14 अप्रैल 2021 को बना था, वैसाखी वाले दिन मैंने अमृत छका था। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली जो ये गुरुद्वारा बना रखे है। कितने दिन से आप सेवा में हो जी? मैं जिस दिन से दिसंबर महीने से सेवा में हूँ। ये कल किस टाइम है, समय की घटना है जिस टाइम आपके साथ आपने लठ मारा? 10 बजे के आसपास की। तो जाम लगा हुआ था कोई माजदा को उठाने के लिए आप आगे बढ़े थे? एक मेरे साथ में बलवान शेखपुरा और एक जीन बलवान शेखपुरा जिसकी वीडियो वायरल हुई है वो आपके साथ था? बलवान शेखपुरा मेरे साथ, बलवान शेखपुरा और मेरे एक भाई और मेरे साथ था, उसके रिश्तेदार आए हुए थे सहारनपुर जबीगंज से, उसकी गाड़ी निकली। तो मैं दिखा रहा हूँ ये नवीन संधु है जिस पर आरोप लगवाया और यहाँ की गंदी सियासत ने और बीजेपी की गंदी चाल ने मुझे लगा जमानत रिजेक्ट करवा दी है। और रात को ये समझौता होने वाला था, रात को उस व्यक्तिगत मामला था उस नौकर का और उसके मालिक के साथ की भाई जो दोनों की लड़ाई हुई है उनका व्यक्तिगत मामला था, पर इसको इस बीजेपी जहरीली सरकार ने मुद्दा बनाने के लिए इसको पूरे तरह से बदनाम करने के लिए किसान आंदोलनों को इस तरह से लेकर के चल रहा है को लेकर के जा रहे हैं।